रिवेल्युएशन। सुड़सुड़ कर रहा है तू? कौन था सुड़सुड़ वाला? कोई दाना भी सुड़सुड़ किसी ने करी थी ना? नहीं, किसी ने सुड़सुड़ करी थी अभी? वायरस वायरस भी हो ना तो घर पे बैठा ले बेटा, बैक्टीरिया वायरस तो, वरना एंटीवायरस दे देंगे हम डायरेक्ट बताने तेरे को। आपने आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट लिखो। यार स्क्रीन टूट गई, बहुत दुख हो रहा है। नहीं, खुशी की बात होगी। इतना फर्क रह रहा ना कल और अब में? आज बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट, व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट? इधर हमारा पर्टिकुलर आता है, यहाँ पे अमाउंट आता है, यहाँ पे पर्टिकुलर आता है, यहाँ पे हमारा अमाउंट आता है। बाद नहीं पड़ेगा तो उसे पूछ लो, नहीं पड़े तो मैं मना कर उसका नाम हटाऊ। यहाँ पे लाइबिलिटी प्लस होती है, असेट माइनस होते हैं। यहाँ पे असेट प्लस होते हैं, लाइबिलिटी माइनस होती है। किस नाम से होती है? टू संडी लाइबिलिटी इंक्रीज, टू संड्री असेट डिक्रीज। उस दिन इसके बारे में बहुत बड़ी क्लास ली थी हमने, तक और ते कितना फर्क पड़ रहा था, बच्चे दिमाग हो गए। फिर मैंने आपको एक चीज बता दी थी कि भाई बाय वाले को तो डायरेक्ट लिख दो और टू वाले को माइनस करके लिख दो। जशन कह रहा है क्या बातें हो गई। इसके साथ साथ जनरल रिजर्व अंडर रिजर्व भी करा दूंगा। और सब ओल्ड रेशो में बट्टा है। प्लीज लिख लें। इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आता है? कितने से चेंज हुई है या कितने तक चेंज हुई है?
कितने से चेंज हुई है? अगर कोई चीज 10 रुपए की थी आज वो 8 रुपए की हो गई तो कितने रुपए से हुई है चेंज? दो रिवेल्युएशन में 8 रुपए आएंगे या 2 रुपए आएंगे? कोई रुपए चीज 10 रुपए की थी उसमें 2 रुपए जुड़ गए और अब 12 रुपए की होगी तो कितने आएंगे? दो रुपए थे। तो कितने से और कितने तक में कितने से हुई है वो आता है इसमें। और दो शब्द आपको ज्यादातर मिलेंगे बाय और टू। बाय है तो डायरेक्टली लिख दो रिवेल्यूशन में उतना ही अमाउंट, और टू है तो माइनस करके। हाँ इसमें कौन से रेशियो में बटता है? ओल्ड रेशियो में, ओल्ड ओल्ड पार्टनर। रेशो ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर। प्रॉफिट और लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन विल डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो अमंग ओल्ड पार्टनर। प्रियंका चोपड़ा पार्टनर, वो प्रियंका चोपड़ा। इन्हें पीसी नहीं मालूम, इन्हें पीसी नहीं मालूम। कल तो दिव्यांश में बर्थडे पार्टी थी, हमारी पैसे ठोके उल्टे। हाँ माँ, मेरा नहीं, मम्मी मन नहीं है बिल्कुल भी। हम बहुत ज्यादा पेट भरता है। हाँ चावल क्या बनाया? बिल्कुल बहुत पेट भरता है। लिया सब लोगों ने? ये जो महल सा निकलने लगता है इसके अंदर, ये क्या बेकार से क्या है? नहीं क्या है तो सनी लाया, तू तो यार्ड लेगा रहा छोरियन वाला। हमारी छोरी छोरे से के में के कोई नहीं रहा। वो अभी तो तुम्हें ससुराल ली नहीं गई, सैनिटाइजर क्या कह रही है गुंजीता? क्वेश्चन करते हैं जर्नलिज्म, इसके बाद जर्नलिज्म पी एंड एल अकाउंट को भी खत्म कर देते हैं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को भी खत्म कर देते हैं। आज के लिए तो खत्म होगा, कल संडे है, मंडे को पूरा चैप्टर ऐड ले लेंगे। टेस्ट लू गया, देते तो है नहीं कोई। अबे करूं लिखूंगा वो लिखवाऊं? हाँ भैया लिखवा दो।
ये पी रेंट का मतलब क्या होगा? प्रीपेड रेंट। नई वैल्यू आपको दे रखी है, ओल्ड वैल्यू दे रखी है, और आपको पता लगाना है कि भाई कितने से चेंज हुई है, वो रिवॉल्यूशन अकाउंट पे जानना है, और ए और बी पार्टनर थे और उनका रेशियो जो था वो था 2:1। रिवॉल्यूशन अकाउंट बना के दिखाएं, रिवॉल्यूशन अकाउंट बना के दिखाएं। भाई कैसे करेंगे? अबे पुरानी वैल्यू दे रखी है, न्यू वैल्यू दे रखी है, पुरानी वैल्यू में से न्यू वैल्यू को माइनस कर, चेक कर। 1 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग जब कितने की हो गई? कितने कितने रुपए से कम हो गई? 20,000 रुपए से। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या होती है? असेट। असेट कितने से कम हो गए? 20,000 से। तो कहाँ पे लिखा हुआ है असेट कम कहाँ होते हैं? अबे रिवैल्यूएशन में हाँ, तो 2 लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 बस ये लिख करना है। तो तुम्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना आया? लैंड एंड बिल्डिंग ओवरड्राफ्ट होते हैं, ऐसा थिंग कम किया होगा। हो गया भैया, हो गया भैया। लैंड एंड बिल्डिंग, 2 लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग असेट होता है। लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए से घट गई? 20,000 रुपए से। 1 लाख की थी, 80,000 की हो गई। तो कितने की कम हो गई? 20,000 की। अब क्रेडिटर 30,000 के थे, अब कितने के हो गए? तो कितने 10,000 से।
फिर क्या था? अच्छा ठीक है, बिल्स पेबल कितने के थे? कितने के हो गए? तो 30,000 से कम हो गए। अब बिल्स पेबल लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी कम कहाँ होती है? यहाँ पे बाय बिल्स पेबल कितने थे? 30 आ गए। कितने रुपए से बढ़े हैं, घटे हैं? पहले कितने के थे? 5,000 के। फिर कितने के हो गए? 500 के। तो बढ़ गए। तो बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ता है यानी लायबिलिटी बढ़ गई। तो यहाँ पे टू बैंक ओवरड्राफ्ट, हाँ स्टॉक कितने का था? पहले 1,00,000 का था, अब 1,20,000 हो गया। तो 20,000 से बढ़ गया बाय स्टॉक। उसके बाद प्रीपेड रेंट कितना था? पहले 20,000 का था, अब 10,000 का हो। तो टू प्रीपेड रेंट असेट का घट गया, 20,000 का था पहले और अब पहले 20,000 का था कितने का हो गया? 9,500 आंसर आ रहा होगा। कोई बात नहीं, नौ हजार पांच सौ टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी। कौन से रेशो में बट्टा? ओल्ड रेशो में, 2:1 में 6:3:3 पागल। हाँ ठीक है ठीक, कुछ छोटे क्या दिक्कत थी जैसे तेरे को इसमें? 9,000 कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बैलेंसिंग फिगर है ये 50, ये यहाँ पे इसका टोटल कितना है? इन सब का टोटल निकाल तो कौन सा बड़ा है? 40,500 बड़ा, 50,000 बड़ा है। तो मैंने 50,000 इधर लिख दिया और 50,000 इधर लिख दिया। इधर कितने की कमी है? कैसे पता लगेगी? 50,000 में से 40,500 घटा दिए तो कितने की कमी है? तो वो मेरे सीधे समझ में आ गए। पर्टिकुलर ए बी सी, अगर नया पार्टनर आया था पर्टिकुलर ए बी सी बाय रिवैल्यूएशन 9,000 वो कितना था? 6:3:3:3:3 और 3167 ऐसे शो। आगे बढ़ो, इसको जर्नलिज्म के बारे में पढ़ाने के बाद फिर टफ से ना वो रिवॉल्यूशन अकाउंट कुछ टफ टफ से पॉइंट बताता हूँ, है ना? तो क्यों उठाऊ? वो तो मनीष ने लगा दिया, मैंने कहा मैं नहीं उठ रहा। सोया मैंने पापा से बोला पापा काम हो रहे कहाँ जा रहा है? मैंने कहा पापा आज मैं 2 घंटे सोऊंगा। अच्छा अगर तुम 11 बजे सो रहे हो तो आप फोन छह छह में करता है ना? मेरा तो बहुत फोन करता है, मैं तो सब नहीं कर सकता ना।
चले आगे बढ़े, छोटी मोटी सी जो पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। जनरल रिजर्व का क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का क्या करते हैं, बैलेंस शीट में जो दिया होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस का क्या करते हैं अगर बैलेंस शीट के असेट में दिया होता है, ये डेबिट वाला होता है, ये असेट में आता है, ये क्रेडिट वाला होता है, ये लाइबिलिटी साइड दिखाई देता है। कुछ भी ना दे रखा हो, कुछ भी ना बोल रखा हो कि क्रेडिट है, लाइबिलिटी असेट है, तो हमेशा ये लाइबिलिटी वाला मानते हैं। कौन सा मानते हैं? लाइबिलिटी वाला। एक और भैया है एडवर्टाइजमेंट, ये क्या चीज पढ़ा रहा हूँ, पहले भी बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, पर पहले मैंने पढ़ाया हुआ इफ डिस्ट्रीब्यूट इफ नॉट डिस्ट्रीब्यूट करके। इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना इफ डिस्ट्रीब्यूट इफ नॉट डिस्ट्रीब्यूट, हमेशा इफ डिस्ट्रीब्यूट ही पढ़ना, एक ही तरफ पढ़ना। ये आपको सेट में दिखाई देती है। तो इसकी जनरल एंट्री होती है, पहले वो जनरल एंट्री क्या होती है इन सबकी, पहले सारी की सारी जनरल एंट्री एक साथ लिख लेंगे। जनरल रिजर्व की, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी ओल्ड रेशियो में, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी ओल्ड रेशियो में, ए बी टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ओल्ड रेशियो में, ए बी टू पी एंड एल, ये कौन सा पी एंड एल है, ये डेबिट वाला पी एंड एल है जो असेट साइड दिखाई देता है ओल्ड रेशियो में। कौन सी साइड दिखाई देता है, असेट साइड, असेट साइड दिखाई देता है, असेट साइड ओल्ड रेशियो में। लिख लो चारों की चार एंट्रियां, वन पढ़ भी रखी है पहले भी, सेम ये सारे केस इफ डिस्ट्रीब्यूट वाले हैं, इफ नॉट डिस्ट्रीब्यूट वाला केस नहीं है। आगे बढ़ाए, क्या तेरे बिजनेस चल रहे हैं मुझे भी बता दे। तो मैं एक कट्टा ले जा यार कॉपी किताब का और बिस्तर, और जब बिक जाए तो फिर मुझे दे दी पैसे। अरे लेने आ जाएंगे हैं, अरे कोई भी लेने आएगा। अरे बहन जी नहीं कॉमर्स करने की कॉपी चाहिए, ये क्या क्लासिक कॉपी है आप देखो तो सही, आपका बच्चा पढ़ेगा अच्छे से। बेच लेके देखते तो देख, 10 का सेट लेके जाके देखते, अरे नहीं बिकेगा तो वापस कर दियो हैं, बता हैं। अरे आंटी आती होंगी वो ले लेंगे। मेरा मन कितना प्यारा, क्या चकनाचूर हुआ ये, चट 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 चट, कितने चकनाचूर से हुआ ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 52 cracks इसके अंदर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे दिखाई देता है ये पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी, सी न्यू पार्टनर है, सी न्यू पार्टनर, तो बाय जनरल रिजर्व तो यहाँ पे आएगा ओल्ड रेशियो में ए और बी में केवल, बाय पी एंड एल मेरा यहाँ पे आएगा ओल्ड रेशियो में, टू पी एंड एल यहाँ पे आएगा ओल्ड रेशियो में, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस यहाँ पे आएगा ओल्ड रेशियो में, ये डेबिट वाला पी एंड एल है, ये असेट साइड दिखाई देता है, ये असेट साइड दिखाई देता है। नोट,
अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो अमंग ओल्ड पार्ट केवल ओल्ड पार्टनर के हक में, न्यू पार्टनर के हक में तो सच बच्चा सितंबर में कहां में वो खड़ा रहा होता था, शेयर्स करा रहा होता था। वन डे लेट हमारा क्या जा रहा है, पेपर इजी बन के आएगा, पेपर ही कैंसिल होगा, पेपर ही ऑनलाइन हो जाएंगे, फिर तुम लोग मेरे से चीटिंग कराओगे। तो इजी आएंगे पेपर, अभी कोर्स तो कटेगा पर आगे बढ़े। लिख लिया डिसीजन तूने, क्वेश्चन करके दिखाओ। करके दिखाना इसका जनरल एंट्री में और लेजर में। बन भैया हो गया भैया, कर लिए तूने? ओए मोबाइल में लारा कर लिए तूने? ये मोबाइल में तू करता क्या है? कर लिए तुम दोनों ने? मनीष आता है तुम्हें? अच्छा इतना उल्टा सीधा में क्या है, मतलब अगर मैंने जो ऊपर चीज लिखवा दी उसी को कर दोगे तो हो जाएगा जनरल रिजल्ट 2 ABC। जनरल रेशियो को इतने का है जिसने का है, एबीसी में बांट दो, कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में।
एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितने का है? 20 जाएगा। किसमें बढ़ जाएगा? ए और बी में, लिखा हुआ तो है सारा चीज। जनरल रिजर्व 2A 2B, जनरल रिजर्व कितने का? 10,000 का। 10,000 का ए और बी सी में बटेगा, कौन सी रेशियो में? 2/3। ओल्ड रेशियो कितना है? 2:3। अगर मैं बांटूंगा तो 4,000 और 6,000। पी एंड एल 2A और 2B कितने का है? 5,000 का। अगर 2:3 में बांटूंगा तो 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितने का? 8,000। 10,000 का? 10,000 का। कौन से रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में। 8,000 12। अच्छा तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? तुम दो तीनों को हैं? ओए तीनों को क्या दिक्कत हो रही है? देखिए तो सर क्या दिक्कत हो रही है, पढ़ कर रहे इतनी तुम पे ये नहीं हो पाए इतनी इजी सी चीजें। अब ये नहीं आता कि ओल्ड रेशो में कैसे निकालते हैं। 20,000 लिखते हैं, इसका ओल्ड रेशो कितना? 2 डिवाइडेड बाय टोटल 3 ओ सॉरी 5। ये 4 टाइम्स गया, 4 का मल्टीप्लाई 2 से गया तो 8,000 है। दो हो गया सबका। लिखना चाहो तो लिख लो, इसका रह गया। अरे पहले तो परफ्यूम की सी आती है वो, उसकी सॉरी जेल सैनिटाइजर, फिर किसी का भी ले लो महंगे सस्ते पे कोई फर्क नहीं पड़ा भैया। सबसे क्या मान लेगा कितने का भैया? 50 का एक मेरे लिए लिया है। मैं कुछ जेल निकाल के इसमें पानी डाल दूं थोड़ा सा, लोग तो ऐसे ही कर रहे होंगे तो ऐसा हो जाता। ऑस्कर वाला भी खूब बिगड़ा। तुम तो अपने कट्टी के लिया था, बड़ी बड़ी छोटे छोटे उसमें पैकेट में भर के भर के बेच रहे हो। हैं हैं स्टिकर लगा दे रहे हो ऑस्कर का तो मोही साहब तो सर। सिपुरी और रघुवीरपुरी के ऐसे ही है सवाल छोटे से।
मैं यहाँ का वो हूँ किराएदार। मौसम का फल कौन सा चल रहा है सब? अमरूद, अमरूद, अनार, मौसमी। एक स्मूदी सिखाऊं तेरे को? नहीं बता कैसे करा है तुम्हें, वैसे लिखूंगा मैं। बता बता बता। नहीं नहीं तू बता ना ये। हाँ सही होगा, तू बता बता। अरे सही है, चेक करिए क्या ऐसे ही लिखवाया मैंने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कहाँ लिखवाया क्वेश्चन के अंदर, मतलब जब मैंने सॉल्यूशन किया तो एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखवाया है? कितना टाइम दे रहा हूँ तब इनने लिखा नहीं पाए। ये लिखा नहीं तूने, ये ऊपर वाला, ये तो चेक करिए इसमें कैसे लिखवाया मैंने एडवर्टाइजमेंट, कहाँ लिखवाया, कहाँ लिखा है मैंने, नीचे लिखा, तूने कहाँ लिख दिया? अबे कॉमन सेंस लगा ले करो बे, तू दिखा बे, तू दिखा। पेंडल डेबिट, पेंडल डेबिट, ठीक है ठीक है। ये पेंडल गलत है तेरा, ये पेंडल डेबिट वाला है, डेबिट वाला है, साफ साफ बोला मैंने डेबिट। देख रहे हो ये चीजें नहीं होंगी तो तुम आगे करोगे कैसे? गलती मानो, ए बी टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या पढ़ा रहा हूँ, चिंदी चोरी वाली चीजें। कौन से रेशो में बढ़ रहे हैं ये? बाय जर्नलिज्म यहाँ पे आ जाएगा, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस यहाँ पे आ जाएगा, टू पी एंडल यहाँ पे आ जाएगा, ए और बी में बढ़ जाएगा, बांट भी दूं चलो। बदलवानी पड़ेगी बेटा स्क्रीन, वो पेन चलने में दिक्कत दे रहा। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं अभी, चलो डेटर 10,000 के थे, परसेंट ऑफ द डेटर वॉज सेटल फॉर 80%, rest of the debtor was settled for full. Revolution account में कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा?
अच्छा तुम लोगों को डर लग ही नहीं रहा, तो यानी कोरोना का? मुझे लगा कल मैंने इतनी पढ़ाया लिखाया तो शायद आओगे नहीं, पर्सन सास के डीटने के लिए। उस साल में कोचिंग बंद करा के मानोगे भारत सरकार दे? अच्छा टीचर ने किया अपराध, नहीं मानी सरकार की बात। जो ये क्वेश्चन कर देगा मैं उसको सिल्क चॉकलेट दूंगा, 100 रुपए वाली, 100 रुपए वाली। सही है क्या भैया ये 40% डेटर? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पाला। रेस्ट फॉर फुल नहीं, पूरा करना है, डिवेल्यूएशन में दिखाना है बहन, डिवेल्यूएशन में। वैसे वैसे मानते तो कंपनियां, टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, टिक टिक फोर, टिक टिक फाइव, सिल्क चॉकलेट, टिक टिक सिक्स, टिक टिक सेवन, टिक टिक एट, कर लिया। टिक टिक नाइन, टिक टिक टेन, नहीं मुझे नहीं पता कितना है, बस तू आंसर बता दे रिवॉल्यूशन में कितना आएगा। अरे मुझे मत बता, मुझे बस आंसर बता। गलत है बिल्कुल, आंसर है केवल 800। नहीं आप चेक करो, चेक करो, चेक करो, ये दो पॉइंट जो है वो एक जाएगा तो दोनों का 10,000 है, 10,000 का 40% कितना होता है 440, बाकी 10,000 में से 4,000 गए तो कितने बचे 6,000। ये 40% डेटर कितने में सेटल हुए, 40,000 का 80% कितना होता है 3,200। चांद है 40,000 का, बोलो 4,000 का 80% कितना होता है 3,200। और जो ये वाले डेटर हैं ये कितने में सेटल हुए हैं 6,000 वाले फुल में, तो 6,000 के 6,000, इन दोनों को टोटल करोगे तो कितना आया आंसर 9,200। इन दोनों को प्लस करोगे, पहले के डेटर कितने के थे और अब कितने के हो गए, कितने से घट गए, बस ये था। सही समझ में आ गया? ये रिवैल्यूएशन में, फिर रिवैल्यूएशन में टू साइड जाएगा डेटर 800 का, और ये बोर्ड का क्वेश्चन में आया था। अच्छा है, ये इजी है, कौन सा टफ है, कुछ किया ही नहीं इसमें हमने, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता गया वैसे वैसे करता गया मैं। तुम लोग कर क्या रहे थे वैसे, तुम लोग क्या कर रहे थे? लिखा हुआ है रेस्ट ऑफ द डेटर, आगे करें। एक तो यार मुझे बिल्कुल ही बुरा लगता है अमूल पालने का, तुम लोग कैसे खा लेते हो? आगे बढ़ाऊं? शुड आई मूव?
आखिरी क्वेश्चन इसको करके दिखाना, सिल्क चॉकलेट आपके लिए दोबारा से। ऑन एन एवरेज इंडियन पर्सन, ऑन एन एवरेज इंडियन पर्सन कंज्यूम 21 टेबल स्पून शुगर डेली। स्टार्ट होता है आपका दिन ब्रेड से, आपने दो ब्रेड के पीस खाए तो 2 चम्मच, ब्रेड में भी होती है। आपने अगर लेज का पैकेट खाया तो वो 3 चम्मच के बराबर होता है। एक गिलास अगर मैं कोल्ड ड्रिंक पी ली तो उसमें 2.5 या 3 चम्मच आपकी वो होती है शुगर। फिर आप दिन में 2-3 बार तो चाय पी लेते ही होगे, चाय नहीं पीते होगे तो मिल्क तो पीते होगे, तो 2 चम्मच का मिल्क रहता है। चाय जो पीता है उसमें 3 चम्मच, और तीन चाय सुबह दोपहर और एक किसी दोस्त के साथ ऑन एन एवरेज। तो देखो ऐसे चम्मच करते हो ना तो 21 मीठा खा लिया कुछ, आपने लेस खा लिए, आपने वो चॉकलेट खा ली, आप क्या कहते बाहर गए पटाखे खा लिए, पटाखे में सॉट और आपने वो क्या बोलते हैं समोसे खा लिए, तो समोसे में भी वो जो मीठी वाली होती है। तो हम पूरी जो सराउंडिंग है वो शुगर से खड़े हुए हैं। और फिर हम आपसे पूछते हैं, आपके मम्मी पापा से पूछेंगे भैया शुगर खाते, कभी कभार खाते, कभी कभी, वो कभी कभी में ये सारी हिडन शुगर फ्री दिखती नहीं। बच्चा बॉर्नविटा खाता है, एक ग्लास एक चम्मच बॉर्नविटा में 3 शुगर होती है, 3 चम्मच शुगर एक चम्मच बॉर्नविटा में। सब खाते हैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, बच्चे चाय नहीं पीते तो वो चाय पी रहे हैं उधर, देख रहे हो इन्वेस्टमेंट। हाँ अरे यार तुम बड़े ही सही में, कब तक खतरनाक हो, लिख तो सभी रहे थे मुझे ऐसा लग रहा था ऐसे क्वेश्चन में। जो पहले आंसर देगा जो बोलेगा मैं ए टुक ओवर, ए ए पार्टनर है। पूरा करके मुंह चलाना है ऐसे तो नहीं, पूरा होगा तू कैसे उछल रहा है भैया। 16,200 हैं, 16,200 नहीं गलत, पूरा होगा। अभी क्वेश्चन आता गया पर तुमने पूरा करा है, सेकंड पॉइंट नहीं गया तुमने, तो मुझे भी जवाब में मिल गया। नहीं तो आंसर कितना निकाला होगा, 12 तो गलत है पूरा। वन नहीं नहीं देख लो, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, अब बोल दोगे भैया मैं जो पहले बोल दे मैं गुंजिता। कोई जूम में कोई और है जो बोलना चाहेगा? नहीं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता बस भैया। भैया 16,500 नहीं, अब मैं आंसर बता रहा हूँ, कितना इजी था, बहुत 1500 बहुत ही बढ़िया।
भैया 13,800 इन्वेस्टमेंट 30,000 के थे, ए ने बोला कि मैं इन्वेस्टमेंट ले जाऊंगा 80% के, इन्वेस्टमेंट 80% का कितना हो गया, तो बाकी के कितने बचे 6,000। अभी रुक जा, अभी क्वेश्चन किया कहा है मैंने अभी पूरा, ये 80%, अभी रुक जाओ, ये 80% के जो इन्वेस्टमेंट वो कितने में ले गया, 50% में, 50% कितना होता है 30,000 की चीज 13,800 में चले गई, तो कितने बचे 16,200। सही था भैया मेरा, 16,400 बोला था तुमने भैया, 16,200 बोला था मैंने। अच्छा मुझे नहीं, ठीक है अर्शद की चॉकलेट ड्यू, चॉकलेट गलत है 14। तुमने क्या गलती करी, क्या गलती करी, अब देखो कितना, बिल्कुल बिल्कुल वही चीज मैंने पढ़ाई है, वही नहीं कर पाई, ये भी बोर्ड में आई थी। देखो मनीष कह रहा है क्या पढ़ा रहे हैं, मनीष ये वैसे समझ में आया, सही चीज बताना, हैं सुशील, सुशील ये 30,000 का था, 30,000 का 80% ले आने को बोला उसने 24,000 को, और बाकी कितना बचा 6,000। अब उससे पूछे भी 24,000 का कितने में ले आएगा, कि भैया 50% में ले आऊंगा यानी 12,000 में ले आऊंगा, और जो बाकी के बचे वो कितने में सेटल करेगा, हमने 30% में ले आएंगे 1,800 रुपए में ले आएंगे, तो हमने इन दोनों को प्लस किया तो 13,800 आया मेरा। 30,000 की इन्वेस्टमेंट अब कितने रुपए की रह गई, तो कितने से कम हो गई, तो अभी भी क्वेश्चन में एक और पुट कर देता हूँ, रिवैल्यूएशन में दिव्यांश कौन सा आएगा, ये अमाउंट आएगा या ये वाला अमाउंट आएगा, बहुत बढ़िया आंसर, ठीक है। एंड आप क्लास को खत्म करते हुए नई क्लास को चालू कर रहे हैं, एंड कर रहा हूँ, दोबारा से इसी लिंक पे ज्वाइन कर लेना।